हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ब्रेजा के साथ। 6 महीने और 7,000 किलोमीटर से ऊपर मैं गाड़ी को यूज़ कर चुका हूँ और अब मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने ब्रेजा ही क्यों ली और क्या मेरे पॉजिटिव नेगेटिव्स रहे गाड़ी के साथ, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट में मैं बात करूँगा गाड़ी से रिलेटेड कुछ मिथ्स आपके दिमाग में, मेरे में भी थी, मेरी दूर हो गई, आपको मैं बताने वाला हूँ, शायद आपकी भी दूर हो जाए। गाड़ी में बात करने वाला हूँ गाड़ी की सर्विसिंग से रिलेटेड और गाड़ी की माइलेज से भी रिलेटेड, उन सब के बारे में बात करेंगे। और ये है 2020 1.5 लीटर ZX5+ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव साइड, जो मुझे गाड़ी की लगी नेगेटिव साइड, उनमें सबसे पहले आती है गाड़ी का इंटीरियर। यहाँ मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़ा पसंद है, मैं बात कर रहा हूँ इसके 5 साल पुराने इंटीरियर की। फर्स्ट अपग्रेड आया, कुछ भी इंटीरियर में चेंज नहीं किया गया, यानी आप इस ब्रेजा में बैठिए, डीजल वाली में बैठिए, आप बता नहीं पाएंगे कि आप पुरानी ब्रेजा में बैठे हैं नई वाली ब्रेजा में, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई। सेकंड, गाड़ी में कहीं कहीं अनवांटेड नॉइज़ है, यानी गाड़ी के डैशबोर्ड के कॉर्नर से आ गई, ग्रैब हैंडल से आ गई, वो आवाज़ करते हैं, हालांकि वो मैंने दूर कर दी, इसके ऊपर भी वीडियो बनी, आप लोग देख पाएंगे। तो ये नॉइज़ का थोड़ा है, लेकिन ये आगे ख़राब रास्ते के ऊपर प्लेन स्मूथ रोड के ऊपर नहीं आने वाली है, और थोड़ा म्यूजिक चला कर आप इसे दूर कर पाएंगे। थर्ड, गाड़ी के दरवाजे थोड़े हल्के हैं, बंद करने में मुझे दिक्कत होती है। साइड के दरवाजे तो चलो एक बार नहीं बंद हुआ, दूसरी बार खोल के मैंने थोड़ा जोर से बंद कर दिया, हो गया। डिक्की के गेट में मुझे दिक्कत आती है, कई बार होता है तीन चार बार बंद कर रहा हूँ लेकिन बंद हो ही नहीं रहे, तो ये एक दिक्कत है। फोर्थ, जब मैं गाड़ी को क्रूज़ करता हूँ 100 की स्पीड के ऊपर तो मुझे लगता है यार एक 6th गियर होना चाहिए। लिटरली मैंने एक बार चेक किया कि यार गाड़ी थोड़ी आवाज़ ज़्यादा कर रही है, कहीं ऐसा नहीं है 4th गियर में भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो 5th में थी, वहाँ नीड मुझे फील हो गया 6th गियर होना चाहिए था, क्योंकि वो फील नहीं आ रही थी कि मैं टॉप गियर में क्रूज़ कर रहा हूँ, तो वो एक चीज़ मुझे लगी कि गाड़ी में होनी चाहिए थी। अब बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला जो मुझे गाड़ी के बारे में सबसे अच्छी चीज़ लगती है, गाड़ी का बॉक्स शेप, यानी ये शेप मेरे हिसाब से ब्रेजा के अंदर दी गई है। किया सोनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अभी आने वाली है, लेकिन आज इस वक्त मैंने ली तब इसकी शेप मुझे सबसे अच्छी लगी। बहुत बढ़िया रोड प्रेजेंस मुझे ब्रेजा की लगती है, स्पेशली नई वाली ब्रेजा, पुरानी अच्छी है लेकिन नई वाली थोड़ी ज़्यादा बोल्ड लगती है उसके हेडलैम्प की वजह से। तो शेप के मामले में जो प्रॉपर पीछे से आगे से एसयूवी वाली फील होती है वो मुझे ब्रेजा को देखकर आती है, किसी और गाड़ी को नहीं, वेन्यू को तो बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़, गाड़ी की रिफाइनमेंट इस कदर की है, इस लेवल की है कि एक बार मैंने चेक किया कि यार गाड़ी बंद करेगी, मैं स्पीड ब्रेकर से गाड़ी उतार रहा था तो मैंने देखा गाड़ी स्टार्ट थी, यानी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी इंजन की, तो इस कदर की रिफाइनमेंट की गई है और इंजन की नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आ गई। आप 100 की स्पीड पर चलाइए, जो एक नॉर्मल इंजन की होती है वो तो है ही, इलेक्ट्रिक वाली बात तो है नहीं, तो वो तो आएगी लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं करेगी। आप गाड़ी के बाहर खड़ी हुई आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। प्लस रोड नॉइज़ हल्की सी आएगी लेकिन ख़राब रास्तों के ऊपर ही। अगली चीज़, गाड़ी के जो गियर ट्रांसमिशन है बहुत स्मूथ है, ना जो लीवर है उसकी ट्रैवल ज़्यादा है, तो गियर शिफ्ट करने में मुझे तो मज़ा बहुत आता है क्योंकि बहुत लाइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आप लगाएं बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और क्लच ब्रेक बहुत ज़्यादा स्मूथ है, उन्हें ऑपरेट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने ट्रैफिक वगैरह बहुत चलाई है गाड़ी, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इसको ऑपरेट करने में, जिसके ABC है उनको ऑपरेट करने में। अगली चीज़, मारुति सुजुकी ने कुछ यूटिलिटीज़ का ध्यान रखा है। मारुति गाड़ियों को ज़्यादा हाईटेक नहीं बनाती लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूटिलिटीज़ का ध्यान रखा गया। सबसे पहला था पार्क फिल्टर, आगे से उठाकर मैं कुछ सामान निकाल सकता हूँ, मुझे गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे डिक्की खोलने की ज़रूरत है, मैं बैठे बैठे या कोई पीछे बैठा है वो पार्क फिल्टर को उठाकर सामान उसके अंदर से निकाल सकता है। सेकंड, गाड़ी में पीछे भी पावर सॉकेट दिया गया है, अगर सामने वाला ऑक्यूपाइड है तो आप पीछे मोबाइल चार्ज या अपना इन्फ्लेटर जो भी कंप्रेसर लगा रहे वो आप लगा पाएंगे। थर्ड, दो दो ग्लव बॉक्स दिए गए हैं, ऊपर वाला कोल्ड ग्लव बॉक्स जिससे जिसकी कूलिंग आप ऑफ भी कर सकते हैं और उसमें सामान रख सकते हैं, नीचे भी एक ग्लव बॉक्स है तो सामान की मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं दोनों में सामान रखता हूँ, तो उसकी नीड मुझे नहीं है कि स्पेस की मुझे पीछे सामान रखना है, तो स्पेस में गाड़ी में कोई कमी नहीं है, एटलीस्ट डैशबोर्ड में तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद गाड़ी में सेम साइज़ का स्पेयर टायर दिया गया है जो कि बाकी गाड़ियों में मिसिंग होता है कई बार, आजकल डोनट व्हील जिसे कहते हैं, चारों टायर एक साइज़ के, स्पेयर टायर जो स्टेप नहीं होता वो एक छोटा साइज़ का, 1 इंच छोटा, तो ब्रेजा में ये चीज़ बिल्कुल बराबर है, जिसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं है, गाड़ी अगर पंक्चर हो भी गई है तो आप थोड़ा उसे चला पाएंगे, ऐसा नहीं कि 80 की स्पीड तक चलाना है, 50 किलोमीटर तक चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है, जितनी मर्जी आप चलाएं लेकिन जितना जल्दी उसके पंक्चर ज़रूर बनवा कर गाड़ी में लगवाएं, ये एडवाइस है एक आपको। उसके बाद बात करेंगे अनदर पॉजिटिव साइड, गाड़ी का जो सीटिंग पोस्चर है थोड़ा अपराइट है, यानी अगर मैं गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ सीट हाइट जो एकदम नीचे सेट करके, मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल एकदम थोड़ा ऊपर बैठा हूँ, मुझे रूमी सा फील होता है, ऐसा नहीं है कि कंजेस्टेड में थोड़ा नीचे बैठेगा गाड़ी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और विजिबिलिटी मुझे पूरी मिलती है, बोनट पूरा दिखाई देता है। अगर आपकी हाइट कम भी है 5-6-7 के आसपास है तो भी आपको बढ़िया फील होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और है 6 फीट हाइट के ऊपर भी आप तो हेडरूम की कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी की विंडशील्ड काफ़ी चौड़ी है, गाड़ी के जो विंडोज़ है काफ़ी चौड़े हैं, तो जब मुझे कभी ट्रैफिक या इधर उधर देखना होता है, जब मैं घूमकर 360 देखता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक तो गाड़ी की विंडो चौड़े, गाड़ी की जो विंडशील्ड है सामने की वो काफ़ी चौड़ी है जिससे मुझे ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है। थर्ड, क्वार्टर पैनल में एक ग्लास विंडो दी गई है जिसकी वजह से जब मैं गाड़ी को रिवर्स करता हूँ तो मुझे ज़्यादा हेल्प मिल पाती है। जब मैं कॉर्नर्स पे बिल्कुल जो टर्न होते हैं एल शेप में उनमें मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। कैमरा का मैं कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं मिरर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ, कैमरा के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता, तो मुझे मिरर्स की आदत है। तो वो जो सीट का पिलर जो क्वार्टर पैनल में जो ग्लास है वो मेरी काफ़ी हेल्प करता है जब मैं गाड़ी रिवर्स करता हूँ। अगली चीज़, गाड़ी के हेडलैम्प। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं बोल दूँ कि एटलीस्ट 15-20 लाख के बजट में से कोई गाड़ी नहीं है जिसमें डुअल प्रोजेक्टर इन बिल्ट LED आते हैं। सिंगल प्रोजेक्टर इन LED आते हैं, बलिनो आती है, स्विफ्ट आती है, लेकिन डुअल प्रोजेक्टर इन बिल्ट LED कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, एटलीस्ट 20 लाख के बजट तक तो नहीं है। फॉग लैंप भी LED के अंदर आते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी जब मैंने गाड़ी देखी थी, जब लॉन्च हुई थी। फर्स्ट जो मेरा था इंप्रेशन गाड़ी को लेकर वो था इसके हेडलैम्प। आई सिंपली सेड वाओ, क्योंकि मुझे लाइट्स का काफ़ी शौक होता है, मैंने अपने ओल्टो भी मॉडिफाई करा रखी थी, लाइट्स काफ़ी तेज़ लगवा रखी थी, लेकिन ये इनबिल्ट मिली तो मुझे ये देखकर काफ़ी खुशी हुई थी जब मैंने गाड़ी ली थी। फोटोज़ मैंने इसके काफ़ी शेयर किए थे क्योंकि मुझे बड़ी पसंद आई थी। एट द एंड रात को गाड़ी की लाइट मैटर करती है, नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने प्रोजेक्टर हैं, कितनी LED हैं, जो रोड के ऊपर बीम है वो फ़र्क डालती है। और ये कोई मैं फेंक नहीं रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने भी प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप गाड़ी की लाइट्स चेक कर लेना कैसी परफॉर्मेंस है। और इसको मैंने कंपेयर किया है 2020 क्रेटा ट्रायो, जो उसके LED आती है, बीम यूनिट आती है, उसके साथ मैंने इसे कंपैरिजन किया इसका, और वो वीडियो भी ऊपर आई बटन में है, वो आप जाके देख लीजिएगा लास्ट में वीडियो के एंड में। तो लाइट्स मुझे गाड़ी के बड़े पसंद आए। या बात करेंगे गाड़ी कुछ मिथ्स के बारे में जो आपके दिमाग में बैठे हुए हैं या किसी ने बैठा दिए हैं कि गाड़ी अंडर पावर्ड है। पेट्रोल इंजन है इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी अंडर पावर्ड है, वो बात अलग है कि आप 40 की स्पीड पे फिफ्थ गियर में उठा रहे हो, 30 की स्पीड पे उठा रहे हो, सर वहाँ तो कोई भी गाड़ी आपको अंडर पावर्ड लगेगी, लेकिन नॉर्मल स्पीड नॉर्मल गियर में जो एक तरीके से उठाई जाती है गाड़ी, वहाँ उठाओगे तो अंडर पावर्ड बिल्कुल नहीं है। कहीं भी लेके जाइए, मैंने इसके साथ थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की है, वहाँ मुझे कोई दिक्कत फील नहीं हुई। हाँ, टू व्हील ड्राइव थी, फंसने के चांसेस थे इसलिए निकाल ली, लेकिन पावर टॉर्क की कहीं कोई कमी मुझे तो एटलीस्ट फील नहीं हुई। आप तरीके से चलाइए, कहीं भी किसी भी चीज़ में गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली, ना टॉर्क के मामले में ना ही पावर के मामले में। अगली मिथ काफ़ी बड़ी है, टिन का डब्बा, जो कि मारुति बदनाम है, ब्रेजा भी बदनाम है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपके फ़ोन में गूगल होगा, आप एक काम करना, गूगल पे जाकर लिखना द मोस्ट सेफेस्ट कार ऑफ मारुति सुजुकी इन इंडिया, आपको सबसे ऊपर मिलेगी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, 4-स्टार रेटेड है ग्लोबल NCAP टेस्ट में, यानी गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया, तो इसे एडल्ट सेफ्टी में 4-स्टार मिले हैं। नेक्सॉन को 5 मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी गाड़ियाँ पिद्दी हैं उसके सामने, और मारुति तो वैसे बदनाम कर रखी है लोगों ने। ये तो वही बात हो गई कि 6 फीट हाइट वाले लड़के लंबे और 5-10-11 वाले टिंगू, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 4-स्टार रेटेड गाड़ी है। गूगल करिए, रिसर्च करिए, मुझे स्विफ्ट बलिनो ऑल्टो का नहीं पता, शायद उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं मान सकता हूँ अगर ही कर सकता हूँ, लेकिन ब्रेजा के केस में नहीं, क्योंकि ब्रेजा के आप यूट्यूब पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स के वीडियोस नहीं देखोगे जिनमें ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी को कम दिखाया गया है। मारुति के टैग होने की वजह से थोड़ी सी बदनाम है, लेकिन ये आपकी एक मिथ है गाड़ी से। अगले मिथ, गाड़ी में पीछे AC नहीं है तो गाड़ी कूलिंग नहीं करेगी। मैंने गाड़ी टेस्ट की है, 5 लोग बिठा के 24 टेम्परेचर पे 24 फैन स्पीड 1, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी की कूलिंग में, मुझे कोई कमी फील नहीं होती। गाड़ी एक बार बैठने के बाद आप, वो अलग बात है आप गाड़ी खड़ी करके उसके अंदर धूप में गाड़ी खड़ी कर रखी है, फिर आप चेक कर रहे हो कि गाड़ी कूलिंग कितनी दे रही है, वो खड़ी गाड़ी में कोई भी गाड़ी नहीं देगी, कूलिंग नहीं देगी, आप चलती गाड़ी में से यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक टाइम के बाद गाड़ी पूरी ठंडी हो जाती है और कूलिंग का फ्लो जो है इसका AC का बहुत ज़बरदस्त है। अगले में सर, 8 की माइलेज दे रही है सिटी में, 9 की दे रही है, 10 की दे रही है, क्या करें, ब्रेजा कोई मत लीजिए, मत लो, बेकार है। मैं अभी गया था बीकानेर, 1000 किलोमीटर की मैंने 2-way रनिंग करी है, एवरेज माइलेज MID डिस्प्ले में इसने मुझे निकाल के दी है 18.5 हाईवे के ऊपर 1000 किलोमीटर में। तो अगर आप गाड़ी को तमीज़ से इज्जत से चलाते हो, कैसे चलानी होती है, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो ही आपको माइलेज निकाल कर देगी, अगर माइलेज नहीं देती तो आपके पास दो ऑप्शन हैं,
या तो अपने ड्राइविंग हैबिट्स आप बदल लीजिए या फिर आप गाड़ी बदल लीजिए, क्योंकि सर आप इससे माइलेज नहीं निकाल पाओगे। एक तरीका होता है गाड़ी चलाने का, इट्स नॉट अबाउट ब्रेजा ओनली, किसी भी गाड़ी को लेके आप अगर आपकी खराब माइलेज निकल रही है और कोई दूसरा बंदा सेम गाड़ी के साथ सेम ट्रैफिक कंडीशन में या रोड कंडीशन में बेहतर माइलेज निकाल रहा है तो कमी आपके अंदर, आप गाड़ी ढंग से नहीं चलाते, प्लीज वर्क ऑन दैट। अब ब्रेजा क्यों ली? 8 साल तक ऑल्टो KTM चलाई, 2018 में ब्रेजा पसंद आ गई, ब्रेजा लेनी है, लेकिन तब नहीं ली क्योंकि वो थी डीजल में। मेरी रनिंग बहुत कम है, कई बार ऐसा होता है महीने की मेरी 300-400 भी नहीं निकलती है। मैंने लेनी थी पेट्रोल वेरिएंट, तो वेट किया कि लॉन्च होगी तो वही लूँगा, और कोई गाड़ी नहीं लेनी है। ना मेरे को टेस्ट करी ना नेक्सॉन ना इको स्पोर्ट ना मैंने वेन्यू, नेक्सी वी 3W मैंने टेस्ट की क्योंकि ब्रेजा इस कदर मुझे पसंद आ चुकी थी, मुझे लेनी तो ब्रेजा ही है। वेट किया, 6 फरवरी को लॉन्च हुई, 16 फरवरी को बुक करवा दी, 3 मार्च 2020 को डिलीवरी ले ली, सितंबर 2020 को गाड़ी ने 6 महीने कंप्लीट किए। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको कुछ एक आइडिया मिले। 2 गाड़ी की सर्विस करवा चुका हूँ, कुछ भी पे नहीं किया, 0। पहली सर्विस में 0, सेकंड में भी 0, सारे चेकअप हुए गाड़ी के, तो सर्विस में मैंने कुछ पे नहीं किया। माइलेज मैंने आपको बता ही दिया, अगर तमीज से इज्जत से चलाओगे, मैं गाँव में चलाता हूँ, गाँव में मुझे 12 से 13 के बीच दे देती है, और वो बेटर होती जाएगी जब गाड़ी की थर्ड सर्विस हो जाएगी, उसके बाद तो बेटर होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है, माइलेज की टेंशन मत करिए अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं। तो ये कुछ था ब्रेजा के बारे में, आई होप मेरी वीडियो से आपके थोड़े बहुत तो शक जो है ब्रेजा को लेकर दूर हुए होंगे, कुछ एक आइडिया आया होगा कि ब्रेजा कैसी है, आपको लेनी चाहिए या नहीं। ब्रेजा से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम, मेरा ट्विटर और एक व्हाट्सएप लिंक भी है। लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चंस, तो वहाँ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करें प्लीज़, छोटी छोटी वीडियोज़ आती रहती हैं, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।